हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने इस वर्ष की हेमकुंड साहिब यात्रा के सफल समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने समेत अन्य कार्यों के लिए सरकार और जिला प्रशासन का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा कि चारधाम के साथ ही हेमकुंड यात्रा भी राज्य में पर्यटन की रीढ़ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से सुखद यात्रा का संदेश भी देश दुनिया तक पहुँचा है। बता दें कि इस वर्ष हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई को शुरू हुई थी जो 10 अक्टूबर को संपन्न हुई। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। श्री हेमकुंड साहब की यात्रा इस वर्ष 25 मई को प्रारंभ हुई थी जिसका समापन निर्विघ्न इस वर्ष 10 अक्टूबर को हो गया है। इस वर्ष की यात्रा में राज्य सरकार खासतौर पर यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ट्रस्ट की ओर से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने में स्टेट गवर्नमेंट का और जिला प्रशासन का मुख्य रूप से हाथ रहा। वक्त बे वक्त पे यात्रा के टाइम पे स्पेशली जब बरसात का मौसम होता है तो रास्ते टूटते हैं, लेकिन उन रास्तों को तुरंत ठीक करा देना और तुरंत यात्रा की आवाजाही शुरू कर देना, उसकी वजह से यात्रा पे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि केदारनाथ की यात्रा में विघ्न आया था, लेकिन उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और हमारी बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब की यात्रा में तो एक दो दिन का कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए इनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से जो ये रीढ़ की हड्डी है यहाँ के टूरिज्म की, चारधाम की यात्रा और हेमकुंड साहब की यात्रा, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा और इसी प्रकार से ये स्टेट गवर्नमेंट हमारा पूरा साथ देती रहेगी।